उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना कोतवाली एतमादपुर क्षेत्र के कुबेरपुर में माल गोदाम रेलवे रैक पॉइंट पर कृषि वाहन ट्रैक्टर का अनुचित प्रयोग किया जा रहा है। माल ढुलाई में एक व्यक्ति से बात करने पर उन्हें बताया कि लगभग 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर इस गोदाम के रेलवे रैक पॉइंट पर चल रहे हैं, जिसके द्वारा माल ढुलाई कार्य में इन ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके बाद हमारे संवाददाता ने वहाँ पर बातचीत की और लोगों ने क्या कहा है आप खुद सुनिए। चलो, आज हम थाना एतमादपुर के कुबेरपुर में है, जहाँ पर माल गोदाम का गोदाम है। यहाँ से जो रेलवे द्वारा यहाँ माल रैक लगाई जाती है, रैक के द्वारा यहाँ माल आता है, जो कि आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, कासगंज इत्यादि जिलों में यहाँ से सप्लाई की जाती है। जैसे कि सीमेंट है और जो भी अन्य घरेलू सामान है, परचून का सामान है, जो भी जितने भी घरेलू सामान में प्रयोग किए जाने वाले सारे प्रकार यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर सीमेंट की रैक लगी हुई है, तो ये रैक देखिए, आप जो है ट्रेन से उतरा है माल और ट्रक में भी लोड हो रहा है। साथ ही ये आप ट्रैक्टर देख सकते हो, जो कि कृषि के लिए, किसानों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका जो मानक है वो कृषि के लिए है, लेकिन इसका एक क्या नाम है, उसमें ट्रांसपोर्ट में उपयोग किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कानपुर हादसा तो आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा। कानपुर हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा इस ट्रैक्टर को केवल कृषि के लिए उपयोग के लिए ही मान्यता दी गई है। बाकी इस ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर है, इसमें आप देख रहे हो लेबर द्वारा इसमें सीमेंट लोड किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को बिल्कुल पूर्णतः बैन कर दिया गया था, लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात तो ये है कि एतमादपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा ये गोदाउन है, यहाँ से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रक यहाँ से माल ले जाते हैं रेलवे ट्रैक से। अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एवं आगरा के कमिश्नर प्रतेंद्र सिंह एवं एतमादपुर एसीपी रवि कुमार गुप्ता क्या कार्रवाई करते हैं। ये ट्रैक्टर धड़ाधड़ यहाँ से चलते हैं और जब ये हाईवे पर निकलते हैं ट्रैक्टर ये लोडिंग वहाँ, तो बड़ी स्पीड में निकलते हैं। और आपको बताते चले, ये कई नहीं कई हादसे भी हो चुके हैं, अब लगातार ये हादसे का शिकार होता रहेगा या इन पर बैन लगाएगी सरकार। धन्यवाद। कहाँ के जाने वाले हो तुम? मैं ही कुमेरपुर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पर रैक उतरती है। कौन सी जगह है ये? कुमेरपुर है। रैक में क्या उतरता है? सीमेंट उतरता है, खाद उतरता है और हल्दी उतरती है। अच्छा, यहाँ से जो जाती है वो किस किस वाहनों में रख के उसको ले जाया जाता है? वो ऐसे जैसे वाहन लग रहे हैं ऐसे ले जाया जाता है। क्या क्या जैसे ट्रैक्टर हैं? ट्रैक्टर भी ले जाते हैं। कितने ट्रैक्टर चलते हैं लगभग यहाँ पर? ट्रैक्टर तो कोई ज्यादा नहीं चलता, लगभग 20-25 15 ट्रैक्टर चलते होंगे। अच्छा अच्छा, रोज 15-20 ट्रैक्टर चलते हैं? 10-15 ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हैं ट्रैक्टर माल लेके? कोई फिरोजाबाद जा रहा है, कोई इटावा जा रहा है, कोई मैनपुरी जा रहा है, कोई टूंडला जा रहा है, कोई यदवापुर जा रहा है, कोई यहीं की यहीं ले जा रहा है। ट्रैक्टरों का भाड़ा कम की होगा ट्रकों की अपेक्षा? भाड़े वाड़े तो सबको कट्टों के हिसाब से मिलता है। के रुपए कट्टा भाड़ा है? भाड़े हिसाब हमें नहीं मालूम कितने पैसे का, कितने का भाड़ा है। ले जाते हैं ट्रकों से? क्यों ले जाते हैं? ट्रकों में क्यों लेके जाते हैं? अरे किसी डीलर पर ट्रैक्टर है, किसी पर ट्रक है, किसी ट्रक वाले से पट रही है। जीएसटी में फायदा हो जाता है? हम नहीं जानते इसमें डीएसपी।